हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कंप्यूटर आज के डेट में हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। और कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, खास करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसके अंदर के सारे सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं तो हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये बन चुके हैं। हमारी जिंदगी के टफ से टफ, मुश्किल से मुश्किल कामों को ये आसानी से चुटकी बजा के कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से आप घंटों के कामों को मिनटों में और मिनटों के कामों को सेकंडों में यूं चुटकी बजा के कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलग अलग सेल्स में अगर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं तो उन वर्ड्स को हम आसानी से बिना किसी खास मेहनत के किस तरह से एक सेल में ज्वाइन करके लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि समझो कि आपने 5, 10, 2, 4 सेल्स में अलग अलग वैल्यूज इंटर करके रखे हैं, टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर ऐसा होता है कि कुछ आउटपुट के लिए, कुछ रिपोर्ट के लिए या किसी कारणवश हमें वो सारे सेल्स के जो वैल्यूज हैं वो एक सेल्स में, समझो कि कुछ वर्ड्स आपने टाइप किए हो, उन सारे वर्ड्स को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाना है तो वो एक सेल में चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूँ हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने 4 सेल्स में अलग अलग वर्ड्स टाइप किए हुए हैं। हेलो, हाउ आर यू, 4 अलग अलग सेल्स में टाइप किए हुए हैं। हमें जो आउटपुट चाहिए वो ऐसा चाहिए कि ये चारों वर्ड्स हमें एक साथ एक सेल में ज्वाइन होके मिल जाए, मतलब उनसे एक कंप्लीट सेंटेंस वहां पे बन जाए। उसके लिए एक्सेल में एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो कि टेक्स्ट कैटेगरी में आता है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे और उस फंक्शन का नाम है कॉनकेटेनेट फंक्शन। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ इक्वल टू प्रेस करना है। एक्सेल में कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें इक्वल टू साइन का यूज करना होता है। इक्वल टू हमने प्रेस किया और मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन का नाम कॉनकेटेनेट। उससे मिलते जुलते जो सजेशन होते हैं वो हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ से मैं ये कॉनकेटेनेट जो फॉर्मूला है इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। आप चाहे तो इसे मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पे दिख रहा है तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी। हम इसे डबल क्लिक कर लेते हैं, देख सकते हो आप। इसके बाद ये फंक्शन के जो क्राइटेरियाज है वो यहाँ पे दिख गए। टेक्स्ट 1, यानी कि सबसे पहले हमें कौन से टेक्स्ट को यहाँ पे लेना है, तो समझो हमें यहाँ पे हेलो लेना है। मैंने हेलो पे क्लिक किया और हेलो का जो सेल एड्रेस है यहाँ पे आप देख सकते हो B3 आ गया। अब दूसरा वर्ड लेने से पहले हमें वहां पे एक कॉमा लगाना होगा। अभी आप देख सकते हो मैंने टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट किया है तो टेक्स्ट 1 हाईलाइटेड है। यहाँ पे जब मैं कॉमा देता हूँ तो टेक्स्ट 2 हाईलाइट हो गया, मीन्स कॉमा के बाद एक सेपरेट हमने कर दिया। उसके बाद हमें दूसरा जो टेक्स्ट रखना है उस पर क्लिक करना है। हाउ पे क्लिक किया मैंने, देखो उसका सेल एड्रेस आ गया B4 और अभी भी हमारा टेक्स्ट 2 हाईलाइट है। टेक्स्ट 3 लेने के लिए हमें वहां पे कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस किया मैंने और टेक्स्ट 3 पे क्लिक किया, वहां पे B5 यहाँ पे आ गया। अब अगर इसके बाद आपके पास वैल्यूज नहीं है तो आप सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक वर्ड अभी और है तो हम यहाँ एक और कॉमा देते हैं और इसके बाद हमने जो फाइनल हमारा टेक्स्ट है उस पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस किया। देख सकते हो आप ये सारे वर्ड्स यहाँ पे कंबाइंड होकर के आ गए। लेकिन कैसा दिख रहा है आउटपुट? अच्छा दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। क्यों क्यों अच्छा नहीं दिख रहा है? क्योंकि किसी भी वर्ड के बीच में कोई ब्लैंक स्पेस वहां पर नहीं है। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अगर हमें कुछ वर्ड्स इस तरह से ऐड करने हैं तो हमें वहां पे ब्लैंक स्पेस मैन्युअली देना होगा। वो हम कैसे देंगे? क्योंकि ब्लैंक स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है और वो हमें वहां पे डालने का है, तो हम इसी फंक्शन का यूज करेंगे और हर जो सेल एड्रेस हमने दिया इच सेल एड्रेस के बाद हम वहां पे एक ब्लैंक स्पेस के लिए भी जगह देंगे। और ब्लैंक स्पेस चूंकि एक कैरेक्टर है हमें उसे वहां पे इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज करना होगा। मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, फिर से मैंने वही फंक्शन लिया, डबल क्लिक किया, पहले सेल पे हमने क्लिक कर दिया तो हमारा पहला सेल वहां पे सिलेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस चाहिए। हम कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा देंगे, एक ब्लैंक स्पेस दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और फिर से कॉमा दिया। तो देखिए आप, यहाँ पे टेक्स्ट 1 में हमारा B3 आ गया, टेक्स्ट 2 में ये ब्लैंक स्पेस यहाँ पे आ गया। अब टेक्स्ट 3 में हमें ये टेक्स्ट पे क्लिक करने का है। टेक्स्ट 4 में अब फिर से ब्लैंक स्पेस आएगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्लैंक स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज्ड, कॉमा। टेक्स्ट 5 हाईलाइट हो गया। टेक्स्ट 5 पे हमें, मैंने तीसरे सेल पे क्लिक कर दिया, फिर से हमें कॉमा देना है क्योंकि एक ब्लैंक स्पेस हमें और चाहिए। स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, कॉमा, और जो हमारा फाइनल टेक्स्ट है हमें उस पर क्लिक करने का है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब देखो आप, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया। यहाँ पे इसमें कितना अच्छा दिख रहा है, ये हर वर्ड के बीच में एक ब्लैंक स्पेस नजर आ रहा है, लेकिन ये एकदम कंटिन्यू हो गया। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें कुछ सेंटेंसेस चाहिए आउटपुट में तो हमें वहां पे ब्लैंक स्पेस की एक मैनुअल एंट्री करनी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।